नवरात्रि के पांचवें दिन स्कंद माता की पूजा, जानिए कथा, आरती, मंत्र और सभी संबंधित जानकारी। जय माता दी। मित्रों, आप सभी को मेरा नमस्कार। शारदीय नवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवरात्रि के पांचवें दिन स्कंद माता की पूजा, जानिए कथा, आरती, मंत्र और सभी संबंधित जानकारी। स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता के कारण इन्हें स्कंद माता कहा जाता है। भगवान स्कंद बाल रूप में इनकी गोद में विराजमान थे। जानिए इनकी पूजा विधि, कथा, आरती और मंत्र। स्कंद माता की आरती से हम शुरुआत करते हैं दोस्तों। जय तेरी हो स्कंद माता, पांचवा नाम तुम्हारा आता, सबके मन की जाननहारी, जग जननी सबकी महतारी, तेरी जोत जलाता रहूं मैं, हरदम तुम्हें ध्याता रहूं मैं, कई नामों से तुझे पुकारा, मुझे एक है तेरा सहारा, कई पहाड़ों पर है डेरा, कई शहरों में तेरा बसेरा, हर मंदिर में तेरे नजारे, गुड़गाए तेरे भगत प्यारे, भक्ति अपनी मुझे दिला दो, शक्ति मेरी बिगड़ी बना दो, इंद्र आदि देवता मिल सारे, करे पुकार तुम्हारे द्वारे, दृष्ट दित्य जब चढ़कर आए, तुम इकड़े हाथ उठाए, दासों को सदा बचाने आई, चमन की आस पुजाने आई। नवरात्र के पांचवें दिन से संबंधित सभी जानकारी जानने के लिए मित्रों हमारे चैनल पे बने रहें और आगे को कथा का आनंद लेते रहें। स्कंद माता की कथा। पहाड़ों पर रहकर सांसारिक जीवों में नवचेतना का निर्माण करने वाली स्कंद माता, नवरात्रि में पांचवें दिन इस देवी की पूजा अर्चना की जाती है। कहते हैं कि इनकी कृपा से मूढ़ भी ज्ञानी हो जाता है। स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता के कारण इन्हें स्कंद माता नाम से अभिहित किया गया है। इनके विग्रह में भगवान स्कंद बाल रूप में इनकी गोद में विराजित हैं। इस देवी की चार भुजाएं हैं। ये दाई तरफ ऊपर वाली भुजा से स्कंद को गोद में पकड़े हुए हैं। नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प है। बाई तरफ ऊपर वाली भुजा में वरद मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प है। इनका वर्ण एकदम शुभ्र है। ये कमल के आसन पर विराजमान रहती है, इसलिए इन्हें प्रज्ञासना भी कहा जाता है। सिंह इनका वाहन है। यह देवी विद्वानों और सेवकों को पैदा करने वाली शक्ति है, यानी चेतना का निर्माण करने वाली। कहते हैं कि कालिदास द्वारा रचित रघुवंशम महाकाव्य और मेघदूत रचनाएं स्कंद माता की कृपा से ही संभव है। तो जानिए मित्रों, स्कंद माता की पूजा से मिलता है ये वरदान। जिन लोगों को संतान प्राप्ति में बाधा आ रही हो, उन्हें माँ के इस स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। आदिशक्ति का यह स्वरूप संतान प्राप्ति की कामना पूर्ण करने वाला माना गया है। स्कंद माता की पूजा में कुमार कार्तिकेय का होना जरूरी होता है। स्कंद माता को इन चीज़ों का लगाए भोग। मित्रों, स्कंद माता को भोग स्वरूप केला अर्पित करना चाहिए। माँ को पीली वस्तुएं अति प्रिय होती हैं, इसलिए केसर डालकर खीर बनाएं और उसका भी भोग लगा सकते हैं। जो भक्त देवी स्कंद माता का भक्ति भाव से पूजन करते हैं, उसे देवी की कृपा प्राप्त होती है। देवी की कृपा से भक्त की मुराद पूरी होती है और घर में सुख शांति और समृद्धि रहती है। माँ को प्रसन्न करने के लिए क्या करें? स्कंद माता की पूजा में धनुष बाण अर्पित करने का विशेष महत्व है। इन्हें सुहाग का सामान अर्पित करना चाहिए। नवरात्र के पांचवें दिन लाल वस्त्र में सुहाग की सभी सामग्री, लाल फूल और अक्षत के समेत माँ को अर्पित करने से महिलाओं को सौभाग्य और संतान की प्राप्ति होती है। स्कंद माता से मिलता है ज्ञान का आशीर्वाद। माता की कृपा से बुद्धि का विकास होता है और ज्ञान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। माँ की कृपा से पारिवारिक शांति की प्राप्ति होती है। माँ की आराधना से शुभता की प्राप्ति होती है। कैसे करें स्कंद माता की पूजा? तो मित्रों, नवरात्रि के पांचवें दिन सबसे पहले स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा स्थान में चौकी पर स्कंद माता की तस्वीर या प्रतिमा स्थापित करें। प्रतिमा का गंगा जल से शुद्धिकरण करें। अब एक कलश में पानी लेकर उसमें कुछ सिक्के डालें और उसे चौकी पर रखें। इसके
इसके बाद स्कंद माता को रौली कुमकुम लगाएं और नैवेद्य अर्पित करें। अब माँ की आरती उतारें। आरती के बाद घर के सभी लोगों को प्रसाद बांटें। इस दिन आप श्वेत कपड़े पहनकर माँ को केले का भोग लगाएं। मान्यता है कि ऐसे करने से माँ निरोगी रहने का आशीर्वाद देती है। स्कंद माता पूजा विधि बताएं। तो मित्रों, आपको नवरात्रि के पांचवें दिन की पूजा में श्वेत रंग का प्रयोग करें। इस दिन पूजा करने से बुध ग्रह से संबंधित दोष दूर होते हैं। इस दिन माता को केले का भोग लगाना चाहिए। स्कंद माता की पूजा का श्रेष्ठ समय का दूसरा पहर माना जाता है। इसकी पूजा में चंपा के फूलों का इस्तेमाल करना चाहिए। इन्हें हरे रंग की चूड़ियाँ चढ़ानी चाहिए। इनकी उपासना से बुद्धि प्राप्त होती है। तो मित्रों, आज की कथा यहीं पे समाप्त होती है। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कॉमेंट करें। जय माता दी।